बाकी इतना पानी आ रहा ना भाई। बाकी हम पहुंच लिए भाई अभी जलकोटी दत्त मंदिर। खतरनाक ऑफिस में बाढ़ आ गई, टेम्पू में पानी वानी घुस जाएगा तो बंद हो जाएगा भाई। मैं बताऊं तुम्हें पानी कितना खतरनाक आ रहा है बाहर। एक सेकेंड, ओ बाप रे भाई, बाढ़ आ गई, बाढ़ बहुत खतरनाक वाली। दिखा दूं तुम्हें बाढ़ कैसी आ रखी है। मनीष डूब जाएगा इसमें, देख लो। देखो, एक दो तीन, भाई खतरनाक बाढ़ आ रखी है ऑफिस में। और इसका मन हो रहा वो लेने का, बंद कर दे कॉपीराइट आ जाएगा जल्दी से। मैं कह रहा हूँ कि ये ले रहा है कौन सा 12 यार, 12 मत ले यार, 14 ले ले 14। मैं कह रहा हूँ ये मेरे को कह रहा है कि मेरे को लेना है आईफोन 11 का, कह रहा था ना। बाकी मैं कह रहा हूँ कि 11 मत ले भाई, तू ले ले 14, फिर कह रहा है 12 लूँगा। फाइनल कौन सा लेगा? फाइनल तो अभी कुछ और लेगा भाई, देख रहे हो पीछे तुम। ये लो भाई, अब खतरनाक ऑफिस में बाढ़ आ गई। बाकी कोई नहीं, इसको दिलाएंगे अपन 14, और इसको कुछ और भी दिला दूंगा। फिलहाल तो मैं कुछ और भी लेना चाह रहा है। बाकी कोई नहीं भाई, अभी चाय वाय पियेंगे बढ़िया। और है गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज फिर से एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है ऑफिस बैठ के, और किसी इम्पोर्टेंट पर्सन का कॉल आ गया, तो एक बार जरा मैं कॉल उठा लूँ, उसके बाद तुमसे मिलता हूँ। ओके गाइस, भाई ऑफिस में आ रहा था टेम्पू टेम्पू में पानी वानी घुस जाएगा तो बंद हो जाएगा। देख रहे हो कितना सा बच रहा है, आधा टायर तो उसका डूब गया और पिछला भी डूब रहा है। अगर थोड़ा और आगा ना पानी, टेम्पू में पानी बढ़ जाएगा तो टेम्पू बंद हो जाएगा। और हमारी गाड़ी देख लो इधर, तो गाड़ी भी आधी डूब चुकी है। अब दो पल्सर किसकी, यानी किसकी है, तुम्हारी पल्सर है? ये लो, एक पल्सर ये रही, एक पल्सर ये रही, और बाकी पानी पानी। आज तो हमारे ऑफिस में पानी पानी हो गया, पलट के टेम्पू देख रहे हो, ये पानी पानी हो रखा पूरा पूरा। किसी को निला देते हैं इस पानी में, जो ज़्यादा बोल रहा है उसे। भाई मैं कह रहा था कि सीधे ऑफिस, ऑफिस से छुट छुटा के हमारे साथ कौन है पहले ये देख लो। और ये हमारे भैया जो हमें बाटला जी प्याज पार्टी देंगे पार्टी देंगे। बाकी बोल देते हैं और बाकी हम पहुंच लिए भाई अभी जलकोटी दत्त मंदिर। रास्ते भर से इतना फर्स्ट टाइम बोला इसको कि चल ले चल यार, मेरे को इतनी इच्छा से। बाकी इतना पानी आ रहा ना भाई, इतने गीले हो गए रास्ते भर से। इसको देख लो तुम, इसका शरीर पूरा गीला हो चुका है ऊपर से नीचे तक, वहाँ मत दिखा। ओ मैं भी देख लो, मेरे शोल्डर वोल्डर सारे गीले हो रखे हैं, हालत देख रहे हो तुम। मतलब जलकोटी पहुँचने के लिए हमने कितना क्या कर लिया, संघर्षवादी बन के हम आ लिए। बाकी अभी दर्शन दर्शन कर लिए, अब निकलेंगे यहाँ से वापस धामनोद। बाकी की कार्रवाई तुम्हें वहाँ जाके दिखाते हैं, ठीक है गाइस? बोल दो विशाल भाई, ठीक है ना? ठीक है। भाई हमारे हो चुके हैं यहाँ पे दर्शन वर्शन, बड़े संघर्ष के बाद हम यहाँ पे आ तो गए थे, और दर्शन वर्शन भी हमारे हो लिए। देख लो अभी जस्ट हम मंदिर परिसर में ही खड़े हुए हैं दर्शन वर्शन करने के बाद। बाकी अब निकलेंगे हम यहाँ से, उसके बाद तुम्हें एक चीज़ अभी बाहर जाके बताऊँगा मैं कि क्या क्या कह दिया मैंने विकास के सामने। मैंने जो हमारे साथ जो भैया है ना, जो देखो पीछे आ रहे हैं, तो उनको ना मतलब अभी बाहर बोलूँगा मैं, मतलब उनको थोड़ी सी वैसी दिक्कत हो गई नस वस की, तो मैं इसको पता है थोड़ा सा भी पागल वागल हो रखा हो बोलने वोलने के चक्कर में, तो मैंने थोड़ा सा गलत टोन क्या बोल दिया मैंने विशाल भैया को। मैंने तो सुना ये बोलेगा नहीं वैसे भाई, मैंने कह दिया कि तुम्हें क्या दिक्कत हो गई पीछे, विशाल भैया बुरा तो नहीं माने, तुम इधर कह दो यार बुरा तो नहीं माने। देखो मतलब कितने अच्छे हैं, केला लेके आए अभी हमारे लिए। बाकी वो भाई इनका नाम भी विशाल है, कहीं तुम्हें लग रहा हो मेरा नाम है, इनका भी नाम है भाई। इनका नाम देख के तो मेरे मम्मी पापा ने मेरा नाम विशाल रख लिया। बाकी कोई नहीं, अभी हवन वापस को चल लिए घर पे, ठीक है गाइस? केले वेले खा लेते हैं। देखो मिला केला, उसने तो खोल भी लिया आधा और खाने भी लग गया वो।
बाकी चलो मिलते हैं भाई। आ लिए अपन अपने घर पे, तेज बारिश से बच बचा के गीले होके। अभी जस्ट आके मैंने कपड़े अपड़े चेंज करे, उसके पहले मैंने खाना खाया और कपड़े चेंज करे। और मेरी मम्मी ने ना तुम्हें, अच्छा तुम्हें देख लो पीछे मैं कैसी व्लॉगिंग करता हूँ, देख लो पीछे दिख रहा है कैमरे में, मतलब कांच में देख लो ऐसे व्लॉगिंग करता हूँ। फिर फोन उठा के मम्मी को बोला गीली खिचड़ी बनाना, तो मम्मी ने पता है कैसी बनाई खिचड़ी, सूखी। और ऊपर से मेरी मम्मी क्या करी मेरे को, एक बार लाइट चालू कर लूँ। हाँ तो भाई ये थी ना मेरी मम्मी, क्या कह रही मेरे को, तेरे दांत नहीं है क्या ऐसे ऐसे, अगर मैं बोलूँ ना डिमांडेड चीज बोलूँ ना कि ऐसा बना दो तो भाई ताने मारते यार मेरे को कि दांत नहीं है तेरे, बुड्ढा हो गया ऐसा वैसा। बाकी कोई नहीं, खाना वाना जस्ट खा लिया, आके कपड़े वपड़े चेंज कर लिए। जैसे तुमने देखा ना पूरा गीले हो रखे थे दो भाई, तीनों भाई। बाकी दर्शन अर्शन करके आ लिए घर पे, और ठंड सी लग गई, पता नहीं अब कल तबीयत वगैरह ख़राब ना हो जाए मेरी। बाकी अभी रात के बज रहे 9:30, अब इट्स टाइम, मतलब ये टाइम आ गया भाई आलसी फैलाने का। अब आलसी वालसी फैलाएंगे बढ़िया और सोएंगे। बाकी वैसा सा लग रहा है, थोड़ी सी तबीयत ख़राब जैसा सीन लग रहा है, गरम सा लग रहा है। बाकी कोई नहीं, ऐसा सीन था आज, तुमने देखा ना आज दिन भर से बारिश हो रही थी, सुबह ऑफिस में भी इतनी बारिश हो रही थी, ऐसी पूरी ऑफिस में पानी हो गया पूरा। उसके बाद दोपहर में भी पानी आया, और फिर हम जलकोटी गए वहाँ पे भी पानी आया। महेश्वर जाने का था कि जलकोटी चलेंगे, और जलकोटी से फिर आएंगे महेश्वर पे, वहाँ के बढ़िया पानी पतासे वगैरह खाएंगे वहाँ पे स्पेशल। बाकी वो सीन भी नहीं हुआ, वहाँ से इधर से गए उसमें गीले हो गए, फिर आए फिर गीले हो गए, और उसके बाद कार की डील करना था वो सब भी कर ली। वो सब मैंने रिकॉर्ड ही नहीं करा क्योंकि मेरी हालत ख़राब हो रखी थी पानी के चक्कर में, गीला और दिक्कत हो रही थी, मज़ा नहीं आ रहा था, तो मैंने वो चीज़ भी नहीं करी रिकॉर्ड। बाकी उसकी भी बातचीत चल रही है कार की, बहुत जल्दी जो कार अपनी जाएगी उसके बाद नई कार कौन सी आएगी वो अपडेट भी देना है तुम्हें, उसके बाद एक गुड न्यूज़ भी देना है तुम्हें वो भी देंगे। बाकी फ़िलहाल पहुंच चुके भाई घर पे, और ब्लॉग को करते ख़त्म। आज का दिन थोड़ा सा बोरिंग था, मेरे को मज़ा नहीं आया क्योंकि वैसे कुछ था नहीं इंटरेस्टिंग। पानी में क्या ही करे यार इंसान, क्या ही करे, कुछ कर ही नहीं पाता पानी में। बाकी कोई नहीं, आज का ब्लॉग अगर छोटा बना हो तो देख लेना, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। बाकी ब्लॉग तो मैं बड़े बनाने की कोशिश करता हूँ 10-12-13 मिनट के। बाकी कभी छोटा ब्लॉग बना और तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। बाकी इस ब्लॉग को करते खत्म, बाय बाय गाइस।